हेलो क्लास 7 स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, हमने क्या था, चैप्टर नंबर 6 एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट जो है हमने पूरा कंप्लीट किया है। तो आज हम इसके एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज में सबसे पहला देखिए, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर से इसको फिलअप करना है। तो सबसे पहला जो है, फर्स्ट, एयर ब्लो फ्रॉम डैश एरिया टू डैश एरिया। एयर ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर, HIGH, हाई प्रेशर, PRESSUR, प्रेशर टू एरिया टू लो प्रेशर एरिया। फर्स्ट में आएगा हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। सेकंड पार्ट, डैश विंड चेंज देयर डायरेक्शन पीरियडिकली। तो इसका आएगा पीरियडिक विंड, PERIODIC, पीरियडिक विंड चेंज देयर डायरेक्शन पीरियडिकली। थर्ड वन, द टेम्परेचर ऑफ एयर डैश फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। द टेम्परेचर ऑफ एयर डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। डिक्रीज, DECREASE, डिक्रीज। फोर्थ पार्ट, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, HUMIDITY, ह्यूमिडिटी। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, HUMIDITY, ह्यूमिडिटी। फिफ्थ, प्रिसिपिटेशन इज मोर ऑन द डैश साइड ऑफ हिल, विंडवर्ड, WIND, WARD, वर्ड, विंडवर्ड साइड ऑफ द हिल। फर्स्ट में आएगा हाई प्रेशर, लो प्रेशर, सेकंड पीरियडिक, थर्ड डिक्रीज, फोर्थ ह्यूमिडिटी, फिफ्थ विंडवर्ड साइड। सेक्शन बी, मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी। कॉलम ए को आपको कॉलम बी के साथ जोड़ना है। तो फर्स्ट, प्लेनेटरी विंड, प्लेनेटरी विंड इसका आएगा ई पार्ट द वेस्टरलाइज, ई पार्ट वेस्टरलाइज। वेरिएबल विंड इसका आएगा साइक्लोन, CYCLON, साइक्लोन, डी पार्ट। थर्ड वन, लोकल विंड, लोकल विंड का आएगा चिनूक, CHINOOK, चिनूक। फोर्थ, पीरियडिक विंड इसका आएगा लैंड एंड सी ब्रीज, लैंड एंड सी ब्रीज। लास्ट फिफ्थ, प्रिसिपिटेशन, साइक्लोनिक रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल। इसके बाद सेक्शन सी, स्टेटमेंट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट पार्ट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिफर्स टू हाउ टू हॉट और कोल्ड द एयर इज एट अ प्लेस, इसका आएगा ट्रू। सेकंड, टॉरिड जोन रिसीव मिनिमम इंसुलेशन, फॉल्स। थर्ड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर is measured by the instrument called the thermometer, false. Lighter is heavy and exert greater pressure, false. The anticyclone brings fine weather and the clear sky, true. तो पहले में true, false, false, true. ये है आपका exercise ABC. तो next हम इसके क्वेश्चंस आंसर करेंगे, आंसर द क्वेश्चन इन ब्रीफ जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।